अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेंशन फ्री कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब बच्चों के लिए आलू वाले चावल, जिसको ताहिरी भी कहते हैं, लेकिन हम ये बनाएंगे बच्चों के लिए। तो इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो बच्चों के हिसाब से ही डलेंगी, क्योंकि बच्चे अमूमन जो है वो हल्का नमक मिर्च खाते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 8+ मंथ बेबीज़ होते हैं, वो तो मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते, मोस्टली बच्चे। ठीक है, जिनको आदत डाल दी जाए वो खाते रहते हैं, जिनको आदत नहीं होती वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 कप मैंने चावल लेकर इनको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो भिगो दिया था पानी में। ये वाला 1 कप है ये, ठीक है जी, ये वाला 1 कप भरकर ये चावल हैं, और पानी भी फिर मैं इसी से नाप कर डालूंगी। ठीक है, अमूमन ये होता है कि जितना जितने ग्लास आपका या कप आपने चावल के लिए होते हैं उससे दुगना आप पानी डालते हैं। मतलब अगर ये 1 कप आपने चावल लिए हैं, तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं घर के लिए, तो आप इसका 2 गुना पानी डालेंगे, 2 गिलास या 2 कप पानी डालेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट जो टेक्सचर में चावल होते हैं वो खाते हैं। थोड़े से जो आप अपने टाइप के चावल बनाते हैं अपने घर में, वो थोड़े से हार्ड होते हैं बच्चों के लिए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते। ठीक है, वो चबाना पड़ता है उनको बहुत ज़्यादा, और बच्चा थक जाता है तो वो थोड़ा सा खा के छोड़ देता है। तो इसलिए थोड़े से जो बच्चों के चावल हैं वो थोड़े से सॉफ्ट बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये तकरीबन 2 छोटे साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक जो है वो मीडियम साइज़ का टमाटर है, 1 छोटी प्याज स्लाइस की हुई है, और एक जो है वो हाफ हम जो है वो किसी भी कंपनी की चिकन क्यूब यूज़ करेंगे। कैनन्स की ले लें आप, कनौल की ले लें, किसी भी कंपनी की जो आपको आपके पास अवेलेबल हो इजीली, वो हम हाफ डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे बहुत अच्छा सा चिकन का फ्लेवर जो है वो चावलों में आ जाता है, और बच्चे उसको ज़्यादा जो है वो शौक से खा लेते हैं। उसके अलावा मसालों में हमारे पास जो है वो नमक है, उसके अलावा हल्दी है, ठीक है, और ज़ीरा है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आप देगची वगैरह ले लें, उसमें आप जो है वो 1 खाने वाला चम्मच जिससे आप कुकिंग करते हैं वो आप ऑयल डाल लें, या अपने हिसाब से जितना भी आप डालना चाहते हो। ये तकरीबन खाना पकाने वाला जो चम्मच होता है वो भरकर एक मैंने डाला है 1 कप या 1 गिलास चावलों के लिए। ठीक है, ये गर्म हो जाए तो इसमें आपने ये 1 छोटी स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देनी है, इसमें गर्म होने लगी, और 1 चम्मची सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। ये देखें जी, प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, आंच मैंने आहिस्ता कर दी है, साथ ही ये हाफ चिकन क्यूब जो मेरे पास है वो डाल दें, और 1/2 चम्मची हल्दी की डाल दें इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, और नमक तकरीबन जो है वो 1 चम्मची, 1 कप चावल है तो उसमें 1 चम्मची नमक डालूंगी। थोड़ा सा नमक चिकन क्यूब में भी होता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं खाते हैं, तो आपने अपने हिसाब से बच्चों के टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना है नमक, कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको, कि ये जो रेसिपी है ये 8+ मंथ से आप बेबीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मिर्चें ऐड नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं और आपका बच्चा मिर्चें जो है वो खा लेता है इजीली, तो आप इधर इस टाइम पर इसमें जो है वो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको स्पाइसी करने के लिए, और हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके अपने ऊपर है कि आपका बच्चा जो है वो किस तरह का खाना पसंद करता है। ये मैं थोड़े छोटे बेबीज़ के हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, इसको बड़े बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा स्पाइसेस खाता है तो आप ज़रूर ऐड करें, और अगर आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो अपने लिए भी आप यही कर सकते हैं कि इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें, हरी मिर्चें 1-2 ऐड कर दें, लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर दें, और बाकी सेम इसी तरीके से बाकी तरीके को फॉलो करते हुए चावल आप बना लें। अच्छा, अब इसमें ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो छोटा छोटा काटा था वो डालने लगी हूँ,
थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, इस टाइम पे आप आँच तेज कर लें तो भी टमाटर आपके जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, या आप इसको 5 मिनट के लिए ढकना लगाकर छोड़ दें तो तब भी आपके टमाटर ही अच्छे से मैश हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए पका देते हैं। ये देखें जी, तेज़ आँच पे मैंने इसको थोड़ा सा भूना है तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इसे चम्मच के साथ इस तरह से आप दबाएंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, और मसाले ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम अपने जो हैं वो आलू ऐड करेंगे। ये 2 से 3 छोटे कटे हुए आलू हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप इसके साथ और वेजिटेबल्स अगर ऐड करना चाहें, मटर है, गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, कुछ और आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी सिर्फ जो है वो आलू डाल रही हूँ। ये छोटे स्लाइस किए हैं मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसे 2 से 3 मिनट में फ्राई करूंगी आलूओं को मसाले के साथ, और उसके बाद इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। जब ये तकरीबन जो है आप कह लें कि आलू आपके हाफ डन हो जाएंगे तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये बाकी जो इसकी कसर है वो चावल जब दम पे लगेंगे तो उनके साथ फुल डन हो जाएंगे। वैसे भी जो बेबी फूड में आप जो बनाते हैं चावल या जो उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं वो थोड़ी ज़्यादा उनको गलाते हैं ताकि बच्चे को जो है वो खाने में आसानी हो, तो इसलिए कोशिश करें कि जो सब्ज़ी आप डालें वो अच्छे तरीके से जो है वो गली हुई हो, सॉफ्ट हो गई हो, ताकि बच्चा उसको आसानी से खा ले। अब इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लें। ये देखें जी, 2-3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। अब इसको आंच हल्की करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस पर ढकना दे दें, इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि थोड़े से आलू जो हैं वो और गल जाएं। फिर हम इसमें जो है वो पानी ऐड करके चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने जो है वो देगची को कवर कर दिया ढकने से, तो अब मैं इसको 5 मिनट के बाद चेक करूँगी, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, 5 मिनट इसको हो चुके हैं। आलू मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें, तकरीबन हाफ डन हो गए। ठीक है, फुल डन नहीं है ये अभी। ठीक है, आंच को मैं अब तेज़ कर दूंगी और अब हम इसमें जो है ये देखें इसकी शक्ल। अच्छा, एक टिप और आपको दूं, आप इस तरीके से जो है ना वो बगैर मिर्चों की कोई भी सब्ज़ी भी बच्चे के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे ये देखें, या आप इस तरह से ये आलू आपने तैयार कर लिए हैं तो आप ये इसमें मिर्चें नहीं हैं तो आप ये भी बच्चे को रोटी या पराठे के साथ या चावलों सादे जोबले में चावल होते हैं उनके साथ बच्चे को आप खिला सकते हैं। इसमें आप और वेजिटेबल्स ऐड कर लें, मटर, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, जो भी आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं वो इस तरह से आप सब्ज़ी भी बगैर मिर्चों की तैयार करके बच्चे को रोटी या पराठे के साथ जो है वो आप खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बीच में चावल नहीं डालना चाहते और उसको कोई सालन वगैरह जो है वो बना के देना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह से बगैर मिर्चों का सालन बच्चे के लिए तैयार कर लें। ये देखें इसकी शक्ल, देखें कितनी खूबसूरत है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसको खा के घर में ट्राई करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि आप जो है वो अपने लिए भी इसी तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, मसाले ने तेल छोड़ दिया हुआ है। अब मैं इसमें ये जो है वो 2.5 कप पानी डालूंगी। ये 1 कप चावल थे मेरे पास, नॉर्मली 1 से हम 2 गुना पानी डालते हैं, 2 कप डालते हैं, लेकिन मैं 2.5 कप डालूंगी क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ और मुझे थोड़े से सॉफ्ट चावल बनाने हैं। ये 2 कप पानी और ये 1/2 कप और ऐड कर रही हूँ मैं चावलों को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब पानी के अंदर उबाल आएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ठंडे पानी में चावल आपने ऐड नहीं करने,
वेट करते हैं हम 2-3 मिनट, पानी के अंदर अच्छे से उबाल आएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए जी पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, अब इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले से भीगे हुए चावल हैं 1 कप, ठीक हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको फुल आंच आपने फुल रखनी है, जब तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा और चावल नजर आने लग जाएंगे और ऊपर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तब हम इसको दम पर लगाएंगे। दम लगाने के लिए आप चाहे तवा रखकर दम लगा लें, अगर आपकी मोटे पैंदे की देगची है तो आप वैसे भी आंच हल्की करके दम लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे उस तरह से आप कर लें। अब ये आंच इसकी तेज हो गई है, जब इसका पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइम पर आपने इसको दम लगाना है। ये देखें जी इसको 5 मिनट्स हो गए हैं, ये देखें चावल नजर आना शुरू हो गए हैं और पानी के अंदर जो है वो बबल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें बबल्स बन रहे हैं, पानी भी काफी ड्राई हो गया, आपको चावल ऊपर नजर आने लग गए हैं। अब हम इसकी आंच, ये सारा प्रोसेस आपने फुल आंच पे करना है, ठीक है। अब इसकी आंच जो है हम दम वाली कर देंगे और इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक हो गया। अब इसको आप कवर कर दें और इसको 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। नहीं जी इसको 15 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए चावलों को, अब मैं आपको खोल के दिखा दूँ इसकी शक्ल, बहुत ज़्यादा भाप हो रही है, ये देखें कितने यमी लग रहे हैं ये। आप इनको निकाल के भी मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत सॉफ्ट से बनाए हैं मैंने। ये देखें जी मज़ेदार से आपके बग़ैर मिर्चों के छोटे बच्चों के लिए आलू वाले चावल जिसको ताहिरी कहते हैं वो बिल्कुल तैयार है। देखें ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।